दोस्तों, आप सभी लोगों ने साल 2012 में शुरू हुआ टीवी शो देखा एक ख्वाब तो जरूर देखा होगा। इस शो को बंद हुए आज काफी ज्यादा समय हो चुका है। हम आपको बता दें कि इस शो को दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया था, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन बीते सालों में इस शो में मुख्य भूमिका निभाते नजर आने वाले कलाकार आज कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं? अगर आप भी यही सब बातें जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही टीवी शो देखा एक ख्वाब के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अभिषेक रावत ने टीवी शो देखा एक ख्वाब में आकाश वर्मा का किरदार निभाया था। इस शो में इनको काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो वहीं इस शो के अलावा ये टीवी शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो और मन की आवाज प्रतिज्ञा में भी नजर आए थे। बदलते वक्त के साथ साथ ये और भी ज्यादा बदल चुके हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। आशीष कपूर। दोस्तों, आशीष कपूर ने टीवी शो देखा एक ख्वाब में राजकुमार उदय का किरदार निभाया था। तो वहीं इस शो के अलावा ये साथ फेरे और वो अपना साथ टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं और आज ये दिखने में पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो चुके हैं। श्रीतमा मुखर्जी। दोस्तों, श्रीतमा मुखर्जी को आप सभी लोगों ने टीवी शो कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां और वी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर में देखा होगा। तो वहीं इन्होंने देखा एक ख्वाब में राजकुमारी जयनंदिनी का किरदार निभाया था और इनके इस किरदार को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। और बीते कुछ सालों में श्रीतमा मुखर्जी काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट हो चुकी हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रियल गौर। दोस्तों, प्रियल गौर ने देखा एक ख्वाब में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके किरदार का नाम राजकुमारी मोनिया था, जो कि दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था। और हम आपको बता दें कि प्रियल गौर इसके अलावा इच्छाधारी नागिन और चलती का नाम गाड़ी जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं और आज ये काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट लगती हैं, जिनके आज लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। पर फिलहाल ये किसी भी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं, ये वेब सीरीज करने में ज्यादा बिजी हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इन चारों कलाकारों में से कौन सा कलाकार सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।